न्यूज़, सच जरूरी है। यह है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। चोर चोर मोसे रे भाई, स्मृति ईरानी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार यानी 18 जून को कई मुद्दों को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से प्यार है तो दिल्ली के गरीबों के लिए केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि उन्होंने 40 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके अपने लिए एक शीश महल बनवाया, लेकिन उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का लाभ गरीब लोगों को नहीं लेने दिया। ऐसे मुख्यमंत्री पर धिक्कार है जो अपने लिए महल बनवाता है लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रहता है। स्मृति ईरानी का आप कांग्रेस पर निशाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझसे कहा गया कि जिस शीला दीक्षित की पार्टी को वे जेल में डालना चाह रहे थे उनसे आजकल दोस्ती करने का प्रयास हो रहा है। हिंदी में एक कहावत याद आ रही है, चोर चोर मौसरा भाई। अब कौन किसका मौसरा भाई वह है मैं नहीं जानती। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। मोदी सरकार के 9 साल पर जनसभा का आयोजन, ये सभा पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में आयोजित की गई थी और इसमें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव, सांसद प्रवेश साहिब सिंह और अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि गत 9 साल मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित स्वर्णिम 9 साल रहे हैं। पूरे देश में जो काम हुआ वह सबके समक्ष है, लेकिन अगर बात दिल्ली की हो तो कर्तव्य पथ पर आज जब घूमने जाने वालों को भीड़ देखते हैं तो दिल गौरवान्वित होता है। आज एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर पश्चिम दिल्ली के द्वारका में बनने जा रहा है। बीजेपी नेता का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की 7 सीट जीत कर देना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हमें पहले 2024 लोकसभा एवं फिर 2025 विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प लेना होगा और इसके लिए जरूरी है कि घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को बताना है कि कैसे अरविंद केजरीवाल हमारी जेब काट रहे हैं और हमें लूट रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम पुष्कर धामी का ऐलान, देवभूमि उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC कानून जल्द लागू करेंगे। धामी सरकार ने UCC का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे, जिसके कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव भेजे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिसके अनुसार लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वह विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। इसके अलावा इस ड्राफ्ट में पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड है। वही मेंटेनेंस का भी इसमें ध्यान रखा गया है कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा न हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह होगा जिसका एक वैधानिक फॉर्मेट होगा। वहीं इस ड्राफ्ट में नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी की बात कही गई है। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
मोदी सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी का मुद्दा फिर से उठाया है, जिसे लेकर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता की जरूरत पर नए सिरे से गौर करने का फैसला किया है और लोगों को और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित किए हैं। मैं तीन तलाक के बारे में बोलना चाहती हूँ थोड़ा। तीन तलाक का जो ये एक कट्टरपंथियों के जो हम लोग को थोपा गया था, उसने मुझे टेलीफोन पे तलाक दे दिया है, मौलवियों के पास भागना है। जो तीन तलाक की जो ये कट्टरपंथियों का जो ये मुल्ला मौलवियों का जो ये सिस्टम खत्म हुआ है, वो बहुत ही अच्छा पहल है हम लोग के लिए। खुश हैं लोग, अब हलाला और ये तीन तलाक से छुटकारा मिला है महिलाओं को ना। अफगानिस्तान से 1840 में देहरादून आए थे। ये जो आपका समान नागरिक संहिता कानून है, इसका मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। ये बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी चीज थी। हम सबको आज बहुत सख्त जरूरत है इस देश को कि एक हमारी समान नागरिक संहिता जरूर हो। ये केवल उत्तराखंड तक के लिए नहीं, सारे देश भर में लागू होनी चाहिए। जो ये कार्य कर रहे हैं सरकार का, हम इसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये जरूर लागू होना चाहिए। समान सबके लिए होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का कोई अनुयायी हो, कोई भी किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं, ओवैसी ने विरोधियों को दी हैदराबाद से चुनाव लड़ने की दावत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने चुनाव में पिछले दरवाजे से बीजेपी को फायदा पहुंचने को लेकर खुलकर जवाब दिए थे। रविवार को AIM ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पार्टी प्रमुख का एक 57 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें ओवैसी हैदराबाद लोकसभा के से सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने की दावत दे रहे हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कोई अलर कहता है कि हम हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई अगर कहता है कि AIM के खिलाफ लड़ेंगे, अरे मैं तो तुमको दावत देता रहा हूँ कि आओ लड़ो मेरे खिलाफ, कौन आपको रोक रहा है। ओवैसी ने उन्होंने आगे कहा, आपको कौन रोक रहा है, तुम हैदराबाद से लड़ो, मेदक से जाऊंगा, सिकंदराबाद भी जाऊंगा, औरंगाबाद भी जाऊंगा और किशनगंज भी जाऊंगा, मेरी मर्जी है, मेरी जमात का फैसला होगा। अगर ये मत कहो जब मुकाबला होगा तो रोना नहीं, आओ मुकाबला करो, मुझे जितना मजा मुकाबला करने में आता है, बातचीत करने में नहीं आता। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।